मैदान में एक सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखा कर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास एक मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है, तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, या चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए। तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी।